फ्रेंड्स, दिस वीडियो हैज़ ए स्पेसिफिक पर्पज. डू नॉट गो ऑन द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, जस्ट गो इन टू द इंटेंट ऑफ दिस वीडियो. यस, इट हैज़ ए स्पेसिफिक पर्पज एंड आई एम गोइंग टू शेयर द पर्पज विद टू एग्जाम्पल्स, रिसेंट एग्जाम्पल्स. पहला एग्जाम्पल है मुंबई के वांगनी रेलवे स्टेशन का, जहाँ पर एक 6 साल का बच्चा रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है और उसी वक्त एक ट्रेन आ रही होती है बहुत स्पीड से. मयूर सिल्के नाम का शख्स ये नोटिस करता है और बिना कोई देरी किए वो उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है. एंड ही डिड इट, वो उस बच्चे को बचा लेता है. अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो दोनों की जान बचना मुश्किल था. लेकिन जो लीडरशिप, जो करेज, जो क्विक डिसीजन मेकिंग का एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया, इट इज रिमार्केबल. और आज उनको पूरा कंट्री जान रहा है. डू यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ द क्विक डिसीजन मेकिंग, बिकॉज ऑफ द करेज. एंड ये सिचुएशन हम सब लोगों के सामने होती है. हमारे सामने दो चॉइस होती है, या तो हम वेट एंड वॉच करें और उस सिचुएशन में एज एन विक्टिम की तरह हम पेश आए, यानी कि हम उस सिचुएशन से पीड़ित हो जाएं. लेकिन दूसरी सिचुएशन है, दूसरी चॉइस है, वी नीड टू कम अप विद क्विक डिसीजन मेकिंग एंड सो अवर लीडरशिप. यस फ्रेंड्स, ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल है. रिसेंट जो सिचुएशन अभी बनी हुई है उसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है. इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन कुछ ऐसे रियल हीरोज हैं. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल हीरोज, नॉट रियल हीरोज. यस, दीज रियल हीरोज आर मेकिंग स्मॉल स्मॉल एक्शंस, बट इनके स्मॉल एक्शन से बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. और ये मुझे पता चला मेरे एक साथी के द्वारा, जब वो अपने फेसबुक आईडी से बहुत सारे पोस्ट ऐसे शेयर कर रहे थे. देन आई ऑब्जर्व दैट एंड आई रियलाइज दीज स्मॉल स्टेप्स आर रियली मेकिंग अ डिफरेंस. हाउ वी डूइंग दैट? ये सब लोग मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, फेसबुक ग्रुप से इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं कि अलग अलग शहरों में लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई हो सके, इंजेक्शन पहुंच सके, या उनको हॉस्पिटलाइज होने में मदद मिल सके. जिन भी लोगों की इंफॉर्मेशन इनके पास आती है अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये शेयर करते हैं, जिससे दूसरे लोगों तक पहुंच सके. और इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है. इन छोटे छोटे एफर्ट्स से बहुत सारे लोगों को सपोर्ट मिला है, बहुत सारे लोगों की जान बच रही है. दिस इज समथिंग रियली रिमार्केबल. दोस्तों, इस क्रिटिकल टाइम में अगर हम छोटे छोटे एफर्ट्स से भी एक दूसरे की जान बचा लें, ये जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं बहुत कामयाब हैं. हम बहुत सारे लोगों की जान बचाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे और वही हमें करना होगा, बिकॉज इस वक्त सिस्टम पूरी तरह से फेल्योर साबित हो रहा है. लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इस सिचुएशन में अगर हम एक दूसरे की मदद करके हम बचा पाएं तो ये सबसे बड़ी जीत होगी. और मुझे पूरा विश्वास है ये छोटे छोटे एफर्ट्स ही हम लोगों को इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करने वाले हैं. ये सारे लोग, जिन लोगों के फोटोग्राफ्स और नाम हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत छोटा सा एक एफर्ट्स है ये बताने के लिए आप लोगों को कि यस, वी नीड मोर हीरोज़. अलग अलग जगह पे ऐसे बहुत सारे लोग भी शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एफर्ट्स कर रहे हैं जिनके इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. बट बिलीव मी, जितनी भी है कम है. आप आगे आइए और लोगों की मदद कीजिए जिस भी तरह से आप कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करके, सही रिसोर्सेज से कनेक्ट करवा कर, या फिर आप अगर कोविड से रिकवर हो चुके हैं तो आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं. अभी जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है हमारा वो ये है कि प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोग बहुत कम आगे आ रहे हैं. उन्हें डर है कि कहीं उन्हें फिर से दिक्कत ना हो जाए या कुछ और ना हो जाए. सो प्लीज़ कम अप विद करेज, शो योर लीडरशिप. वी नीड सच रियल लीडर्स नाउ, जो क्विक डिसीजन मेकिंग करें और दिखाएं कि यस, हम हैं आपके साथ. कलेक्टिवली हम सब लोग मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, डेफिनेटली निकल जाएंगे. ये मेरा विश्वास नहीं है, ये हम सबका विश्वास है. इसी बात के लिए हम जाने जाते हैं. सो फ्रेंड्स, हमें एक चॉइस अभी करनी होगी. वो चॉइस कि जो मयूर सिल्के ने दिखाया है उस बच्चे को बचाने के लिए, क्विक डिसीजन मेकिंग, करेज, ऐसा ही करेज, क्विक डिसीजन मेकिंग, दूसरे लोगों तक मदद पहुंचाने में, दूसरे लोगों को रिसोर्सेज अवेलेबल कराने में और उनकी सपोर्ट करने में. थैंक यू सो मच.